The Tripura BJP reacted to the statements made by senior Trinamool leader and claimed that the party is daydreaming of spreading its wings in the Northeast. Speaking to the media, state BJP spokesperson Subrata Chakraborty said the party has been trying to gain a foothold in Tripura since 1998 but were rejected by the people. Trinamool सपने देख रहा है सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है सपने देखने दीजिए ये त्रिपुरा की धरती है त्रिपुरा की जनता है त्रिनमूल को 1998 से उन्होंने कई बार देखा है और उसको उखाड़ के फेंक दिया है कोई जनता में उसका कोई भीत नहीं है उसका कोई पकड़ नहीं है जनता उसे नकार दिया है बार बार इस बार भी ऐसे नकारेंगे कि इनको ये याद रहेगा जिंदगी भर त्रिनमूल वेस्ट बंगाल में जो कर रहे हैं डेमोक्रेसी को उन्होंने हत्या किए हैं लगातार वहाँ पर महिलाओं के ऊपर रेप हो रहे हैं आगजनी हो रहा है लगातार लूट तराज के एक वातावरण चल रहा है वहाँ पर तो ये सब देखते हुए त्रिपुरा की जनता वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है इसको लेकर बहुत सेंसिटिव हैं और बहुत कॉन्शियस भी हैं And well, Mr. Chakraborty also added that the Trinamool's sole aim is to win just a few seats in Tripura as they want the status of a national party. 2023 में त्रिनमूल का पत्ता साफ जीरो लेकर ही जाएंगे उनका तो एक ही मकसद है 6% वोट मिले तो नेशनल पार्टी का जो रिकॉग्निशन है वो मिल सकते हैं उस वही एक सिंगल एजेंडा है त्रिपुरावासी के लिए उनको कुछ करना नहीं है किया भी नहीं.